bounds. Now I am going to rock garden. Firstly, I visited Sukhna Lake. I didn't film that, but then this one I'm gonna film now. Rock garden bahut chala hai yaar, pehle main ulta aa gaya, ab fir wapas ulta ja karke ticket lena hai pehle. So I'm going all the way around to same place where I started. Right now the temperature is 20 degrees Celsius and the time is 5:10. रॉक गार्डन सिर्फ 6 बजे तक खुला रहता है और मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट गेट कहाँ पर है जो खुला हो और वहाँ पर टिकट मिले और वहीं से एंट्री भी मिले. मैं 3 गेट घूम चुका हूँ अब तक. अब देखते हैं. बदन व्यू यार, व्यू एक नंबर है, व्यू बड़ा सुंदर है. सी द व्यू मैन, सी द व्यू ऑफ चंडीगढ़ का रोड्स. इट्स वेल मेंटेन्ड as same as Mumbai, but then not crowded as same as Mumbai. It's totally blank as you can see. Here you say thank you, they'll not say welcome, they say Ram Ram. Look at that. And the best part is, it's so clean. So clean. हमारे मुंबई जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. और यहाँ पे हर जगह पे डस्टबिन मिल जाएगा आपको, देख सकते हो. हर कुछ दूरी पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा. ये पता नहीं आर्टिस्ट्री है या रैंडमली कुछ भी बना दिया है, बट देन अच्छा लग रहा है. ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है नंदी बुल जैसा, लॉर्ड शिवा का. आगे रास्ता नहीं है क्या? आगे रास्ता नहीं है, है? थैंक यू. से पानी गिर रहा है. I don't know, it's natural water or it's artificially created. But then sound बड़ा अच्छा लग रहा है. Yeah. Now here is the end. No. There is no end. Again, I don't know, it's artificially created or it's natural. And so huge, bahut, you know. I'm not sure, but then it seems that it's artificial. क्योंकि यहाँ पे पूरा वे बनाया है. Then I don't know ये पानी जाता कहाँ है. Here, this is the back of the same thing that we saw over there. So this is kind of swimming pool.
यहाँ पर हर जगह ऑलमोस्ट आपको सेम काइंड के रॉक्स का दिख रहे हैं, ऑल आर सेम एवरीवेयर. I don't know whether it's horse or flat dinosaurs, but then बहुत ही अजीब है. ये एम्बुलेंस के फेस वाला ह्यूमन बींग जिसके हाथ उसके पैर तक पहुँचते हैं. I think that's hammerhead shark or peacock or whatever. Now here you can see some valuable things carved. Kuch animals hain, kuch human beings hain. Pata nahi kis tarike ke human beings hain. Unke hands bahut lambe hain. Yani pata nahi kaun se animals hain. काइंड ऑफ मैंने तो कभी नहीं देखी. एंड यहाँ पे पूरा फौज है. दिस इज सो ह्यूज, इतना बड़ा है, देख सकते हैं, बहुत बड़ा है. एंड ओवरऑल पूरा पार्क भी सो ह्यूज. एंड उनको दिखाता हूँ जिनको बंदरों की महफिल कह रहे थे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बंदर हैं, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है ऑलमोस्ट. एंड बंदर भी एकदम अजीब है यहाँ के. Here are some humans with weird faces. Again, dinosaur or something else. Somewhat dinosaur. Elephant. Elephant. इतने skinny elephant मैंने पहली बार देखे. And ये deer family का है, पता नहीं क्या है, नाम मुझे नहीं पता. Then zebra. तो कि बिल्कुल भी zebra नहीं दिख रहा है, या donkey भी हो सकता है maybe. एंड अगेन एम्बुलेंस के फेस वाला ह्यूमन बींग. दिस इज सो ह्यूज, पूरा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है. मेरा हाथ दुख गया. बट देन ओ यहाँ भी है सेंटर. बहुत ही वियर्ड डरावने स्टैचूस. आई डोंट नो क्या सोच के बना है, बट देन क्रिएटिविटी इज सुपर्ब मैन, टॉप लेवल क्रिएटिविटी इट इज. Women's, they are dancing or they are posing, I don't know. It's really weird, at the same time it's scary. There are some tall men in nikka. Yeah, perfectly aligned in the same row. Women's in sari, women's in sari and वो नारा देता है क्या?
like a fever that feels alright. So baby, tell me one more beautiful life. One touch and I hit now. Some short statues जिनके ऊपर बैंगल्स के पीसेस चिपकाए गए हैं एंड देयर इज ओनली वन सिंगल पीस विच इज मेड अप ऑफ मार्बल्स और यू कैन से इट इज कोटेड विद मार्बल्स. सो गाइज रॉक गार्डन हो गया है एंड नाउ आई एम हेडिंग टू ग्रैब अ बस और आई डोंट नो वेदर आई विल स्टे हियर और मे बी आई विल ग्रैब अ बस एंड गो टू नहर हिमाचल. टेम्परेचर इज स्टिल 20 एंड आई थिंक ये कम है, यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों 20 बता रहा है, ये कुछ 18-19 होगा करीब. मैं भी खाने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पे छोले कुलचे बन रहे हैं मेरे लिए गरम गरम एंड इसके बाद अभी जाने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है. राइट नाउ आई एम इन मुंबई एंड एक्चुअली व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ आई डिडंट प्लान टू मेक अ वीडियो, आई डिडंट प्लान टू व्लॉग. But then when I went to rock garden, when I started towards rock garden, suddenly came into mind and man marziya man bana diya. Abhi dekhte hai kya response aata hai. Jo bhi jaisa bhi response ho comment section mein bataiye kya cheeze pasand aayi kya cheeze nahi pasand aayi. So thank you guys, thank you for watching. Agar ye video pasand aaye to ise like karo, share karo and there gonna be more travel videos coming up and वीडियो खत्म होने के बाद हार्डवेयर के दुकान पे जाओ, हथौड़ा खरीद के लाओ और सब्सक्राइब वाले बटन पे जोर से मार दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.